ठीक है, थोड़ा सा और तेल डालिए। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये आज देख सकते हैं मर्चा जो होता है कैसे इसको फ्राई करते हैं और कैसे मतलब इसको एकदम चटपटा बनाया जाता है, देख सकते हैं। सबसे पहले आप कढ़ाई में तेल थोड़ा सा हीट कर लें और हीट करने के बाद जैसे थोड़ा हीट हो जाएगा उसके बाद क्या है, ये क्या है, मेथी। तो सबसे पहले मेथी डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे बस। अभी थोड़ा सा देख सकते हैं अभी स्टार्ट हुआ है तो अभी हीट हो रहा है कढ़ाई, जैसे हीट हो तो थोड़ा सा आवाज आने लगेगा। दोस्तों इस तरह आप एकदम चटपटा बना सकते हैं और मैडम बना रही है इसलिए आपको बताएंगी कि कितना अच्छा ऐसे करके बनाने कितना अच्छा लगता है। देख सकते हैं मर्ची को बीचों बीच में से फाड़ दिया जाता है और उसके साथ आपको धनिया थोड़ा सा क्या बोलते हैं लहसुन और थोड़ा सा हल्दी का ये प्रयोग कीजिए। देख सकते हैं मेथी जो है उसमें बॉयल अब होना स्टार्ट हो गया है, जैसे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें लहसुन डाला जाएगा। इसके बाद क्या पड़ेगा, लहसुन जी, देख सकते हैं लहसुन का पेस्ट है थोड़ा सा, क्योंकि मर्चा थोड़ा सा है इसलिए आप लोग को दिखाने के लिए वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मर्चा इसे फ्राई करेंगे। अब देख सकते हैं इसमें लहसुन पड़ गया है, उसको अच्छी तरह से भूजेंगे जब तक लहसुन रेड कलर का ना हो जाए, तब तक पका ना हो जाए, उसका जो स्वाद होता है कड़वा तो कड़वापन निकल जाएगा, वैसे ही रेड होता है पता चल जाता है किसमें कड़वापन निकल गया, तो अच्छी तरह भूजेंगे। ओके, इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, नहीं उबालिए। देख सकते हैं अभी लहसुन को भूजा जा रहा है, अब हल्दी पड़ेगा उसके बाद धनिया पाउडर। धीमी आंच पर मेरा पक गया, और जैसा कि आप देख सकते हैं मर्चा पड़ गया है गाइस, इसको हम धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ज़्यादा मिनट पे आपका मर्चा जो है ना जल जाएगा, इसलिए धीमी आंच पे ही इसको हल्का सा इसमें पानी छिड़ दें। नहीं अच्छा लगेगा, टेस्ट नहीं अच्छा।
लेते हैं आपका जो हरा मिर्च है, और इसका कलर अभी पूरा हरा ही है जैसा कि आप देख सकते हैं, और स्वाद आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि इसमें जो मसाला हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लिए थे, और जब तक इसमें मसाला नहीं रहेगा तब तक अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद नमक हम लोग डाल दिए थे, लेकिन आपने जितना ज़रूरी रहे उतना ही डाले, और थोड़ा सा नमक इसमें डाल दिया गया क्योंकि हम लोग थोड़ा सा कम ही नमक डाले थे। देख सकते हैं इस तरह आपका जो भी है, और बहुत ही इसको पका ले पा रहे हैं, तो जब तक अच्छे से पकाएंगे नहीं तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा खाने में, इसलिए पहले इसको अच्छी तरह पका लें, इसको चलाते रहें और इसको पकाने के बाद जब तक मसाला अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए क्या हुआ? इसको चलाते रहे, देख सकते हैं जैसा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन भर घर का काम करते रहते हैं, जैसा कि हर वीडियो में आप देखते हैं घर का सारा काम इन्हीं को करना पड़ता है, क्योंकि यही है और इन्हीं को सारा चीज़ सुबह से शाम तक देखना पड़ता है। देख सकते हैं दूध घर में कुछ लोग व्रत है, इसलिए दूध है व्रत में दूध ही ज़्यादातर पिया हुआ जाता है, क्योंकि हालात इसमें खा नहीं सकते हैं। कितना बर्तन है अभी धोने के लिए? हाँ लास्ट है, एक दो है बर्तन, तो एकदम साफ कर देती है, धोने के बाद उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं आप सब, बहुत अच्छे से बर्तन साफ करती हैं। अगर आप लोग को भी अपने घर का बर्तन साफ कराना है तो इनको बुला के बर्तन तो साफ करा सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं एक मिनट हो गया है, तो हम लोग इसको बर्तन को हटा के निकालिएगा, बर्तन निकालिएगा उसके नीचे चलाइए,
देख सकते हैं आपके सामने चटपटा जो मिर्च मसाला है हम लोग का तैयार हो गया फ्राई करके। सो गाइस अब हम लोग इसको खाने वाले हैं। सबसे पहले गैस को हम लोग बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद और इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। और जिसको ज़्यादा चटपटा और खाना है तो थोड़ा सा इसमें नींबू का यूज कर लें, उससे आपका जो मसाला है मिर्च है और ज़्यादा चटपटा हो जाता है इससे और भी बढ़िया हो जाता है। तो गाइस देख सकते हैं हमारा जो चटपटा मिर्च है बन के तैयार हो गया है। तो गाइस अब हम लोग अलविदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों।